Hey guys, good morning and welcome to my channel Indian Mom Kanchan. So guys, सुबह हो गई है और हाँ, चलिए मेरी जो शुरुआत हुई है वो आपको विश करने से हुई है फाइनली. तो चलिए किचन में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या काम है, तो और बस उसके बाद अपने कामों में लग जाऊंगी. तो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे. हे गाइस, आज ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है. आज होने वाला है चीज़ सैंडविच ब्रेकफास्ट में. और बस यहाँ पर मैंने आलू की चटनी ब्रेड पे डाल दी है, उसके बाद उस पर चीज़ स्लाइस डाल दूँगी. चीज़ स्लाइस वाला ये सैंडविच बनाने वाली हूँ. और आलू की चटनी तो सभी को आती होंगी, बस आलू की चटनी बना लेना है, उसके बाद ब्रेड पर लगा लेना है, उसके बाद चीज़ के जो स्लाइस होते हैं वो उस पर रख देना है चटनी पर, और उसके बाद जो दूसरा वाला ब्रेड है वो उस पर ढक के रख देना है. बस रेडी है हमारा चीज़ सैंडविच, मतलब रेडी नहीं, अभी इसे पकाना है, मतलब तवे पर सेकना है इसे. अगर आपके पास ग्रिल है, मशीन है ग्रिल मशीन, तो आप ग्रिल मशीन में भी बना सकते हो. अगर नहीं है तो तवे पर सेक लीजिए, तो बस हो जाएगा रेडी. और यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है. एक्चुअली ये तवा सबसे पहले रखा था, बट इस तवे पर कुछ काम नहीं हुआ, उसके बाद मैंने नॉनस्टिक तवा ही रखा. नॉनस्टिक तवे पर ही रखना पड़ा मुझे फाइनली. और यहाँ पर ना बस थोड़ा सा ये बटर डाल दिया है. बटर के बाद उसमें सेक लूँगी अच्छे से ये वाले सैंडविच. जब तक अपना चीज़ मेल्ट नहीं होता ना, तब तक सेकना है हमें, अच्छे से सेकना है मीडियम फ्लेम पे. और बस फ्लेम को मीडियम या लो फ्लेम कर देनी है, उसके बाद अच्छे से सेक लेना है और हमारा चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा. थोड़े से बड़े ये चाहिए थे ब्रेड, बट ये मीडियम साइज़ के ही मिले, तो इसी वजह से कोई बात नहीं, मतलब इसमें भी हो जाएगा. थोड़े से बड़े चाहिए थे बट बहुत अच्छे लगते. और यहाँ पर बस बना रही हूँ मैं, बस बनाने के बाद खा लेंगे. बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था. आलू की चटनी पर डिपेंड करता है सब कुछ. आलू की चटनी बहुत टेस्टी बनी थी यार. आलू की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई. नेक्स्ट टाइम आपके साथ पक्का शेयर करूँगी. बहुत जल्दबाजी में थी तो इसी वजह से कुछ भी शेयर नहीं कर पाई आपके साथ. यहाँ पर बन चुका है एक सैंडविच, उसके बाद दूसरा सैंडविच बनाने के, मतलब बाकी के सैंडविच बनाने के टाइम पर मुझे ये वाला ही तवा यूज़ करना पड़ा. मेरा डोसा तवा, जो मेरा नॉनस्टिक तवा है, वही यूज़ किया. और बाकी के सैंडविच ले लिए थे बच्चों ने, खा लिए थे. अब ये तीन सैंडविच लास्ट में बचे हैं, तो बस वही आपको दिखा रही हूँ. आ जाइए आप भी खाने के लिए. तो गाइस, जस्ट नहा के आई हूँ. और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि मैं उस दिन, मैंने आपको दिखाया था कि मैं नहा के आई थी और कुछ स्प्रे कर रही थी अपने फेस पे. तो किसी ने पूछा था कि वो क्या स्प्रे कर रहे हो आप अपने फेस पे, तो वो है ये गुड वाइब्स का कुकुम्बर ग्लो टोनर. आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैं गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर यूज़ करती थी, उसके बाद मैंने ग्रीन टी टोनर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. इनके सारे टोनर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इस बार मैंने ये कुकुम्बर टोनर ऑर्डर किया है और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. मतलब मैं जब से यूज़ करने लगी हूँ ना, मुझे बहुत ठंडक महसूस हो रही है और इससे ग्लो भी आता है आपके फेस पे. और हाँ, टोनर यूज़ करना ही चाहिए. जैसे ही आप नहाते हो या फेस वॉश करते हो, तो आपको टोनर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जो आपके ओपन पोर्स होते हैं नहाने के बाद, तो उसे ये मिनिमाइज़ करता है, तो इसी वजह से ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर आप यूज़ नहीं करते हो ना, तो यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए. बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा आपके फेस पे. तो बस जस्ट नहाने के बाद इसको स्प्रे करना है. मैं तुरंत यहाँ पर आती हूँ ड्रेसिंग टेबल के पास अपने, यहाँ से ही मेरा बाथरूम का डोर है. जस्ट नहा के आती हूँ और यहाँ पर ये अप्लाई कर लेती हूँ. अब बहुत अच्छी ठंडक महसूस होती है और उसके बाद ग्लो भी करता है आपका फेस. तो ये अप्लाई करने के बाद इसे थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, अपने फेस में एब्जॉर्ब होने देती हूँ, और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ. अब है ये वाला डी10 सीरम. ये गुड वाइब्स का डिटैन सीरम है. एक्चुअली अभी टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि अब गैस के पास भी रहते हो ना, मतलब किचन में, तो भी टैनिंग हो जाती है. आर्टिफिशियल लाइट से टैनिंग हो जाती है. अगर हम लोग बाहर भी नहीं जाते तो भी टैनिंग हो ही जाती है. तो इसी वजह से मैंने ये डिटैन सीरम लिया है और यही मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ. बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है मुझे इसका. और बस इसके फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं और आपके फेस पे अप्लाई कर लेना है बस इसी तरह से. और इससे आपकी टैनिंग हट जाएगी और आपका जो आपके रियल स्किन टोन है आपका बाहर आएगा. तो बस इसे थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है आपके फेस पे, थोड़ा सा लेके, और इस तरह से
जल्दी से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कि आंखों के नीचे ये काले घेरे होते हैं उस पर भी अप्लाई कर लेना है, आंखों के ऊपर जहां पर भी टैनिंग हो जाती है ना आपको, और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। आप देख सकते हो ये जल्दी एब्जॉर्ब हो गया है ये, और चिपचिपा भी नहीं करता है। अगर आपको नेक पे अप्लाई करना है, अगर आपकी नेक भी टैन हो गई है तो आप नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो इसे, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छे से टैनिंग हटा देता है ये आपकी। और दूसरी जो टैनिंग होती है ना, मतलब जैसे कि इसे अप्लाई करने के बाद आप अपने किचन में जाओगे तो वो टैनिंग भी नहीं होगी आपके, तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है रेगुलर यूज़ के लिए आपके। और हाँ, ये जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो ऑलरेडी आपको दिखाए हुए है, न्यू ही प्रोडक्ट लिए है मैंने ये सारे। तो ये प्रोडक्ट मैंने purple.com से लिया है, अभी purple.com पे सेल चल रहा है तो आप उस सेल का फायदा उठा सकते हो। अभी पर्पल पे 28 अप्रैल तक बहुत ही अच्छा सेल चल रहा है तो आप उस सेल का फायदा उठा सकते हो और ये सारे प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। एक्चुअली वहां पर अभी 28 अप्रैल तक 10,000 लकी विनर्स को 5 लाख तक का कैशबैक मिल सकता है, और उसके साथ साथ अप टू 1,000 रुपीज पर यूजर्स क्रेडिट भी आपके पर्पल वॉलेट में आपको मिल सकता है। तो उस सेल का फायदा उठाइए और जो भी प्रोडक्ट आपको परचेस करने हैं वो प्रोडक्ट आप परचेस करिए। और ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैंने दे दिया है आपके लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। और आज है मेकअप स्टेशन सेल, तो आप इस सेल का भी फायदा उठा सकते हो। आपको कोई भी प्रोडक्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा और उसमें आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिलेगा। मेरा जो कूपन कोड है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है GET100, वो कूपन कोड आप यूज करिए, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए कार्ट में डालिए और उसके बाद वो कूपन कोड आप यूज करिए, उसके बाद आपको वैसे तो आपको 50% तक का ऑफ तो मिल ही जाएगा और उसके बाद भी आपको ऑफ मिल जाएगा मेरे कूपन कोड से, तो मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। तो सीरम अप्लाई हो जाने के बाद मैं यूज करती हूँ ये कुमकुम आदि फेस क्रीम, तो ये है व्यायाम आयुर्वेदा की, बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे ये क्रीम, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी। मतलब मैं पहले डेली क्रीम यूज नहीं करती थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था, बट जब से मैं ये क्रीम यूज करने लगी हूँ ना काफी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे ये क्रीम। इसका रिजल्ट मुझे 2-3 दिन में ही पता चल रहा है कि सच में बहुत ज्यादा अच्छी है और काफी अच्छे से मॉइस्चराइज करती है आपकी स्किन को, तो इसी वजह से मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये वाली क्रीम यूज करने के बाद ना मैं यूज करती हूँ लैक्मे सन एक्सपर्ट, ये है SPF 40 ट्रिपल प्लस, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करते हो और आपको अगर सनस्क्रीन यूज करना अच्छा भी नहीं लगता है या तो आप भूल जाते हो, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। सन से प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है और उसके बाद आपका कॉम्पैक्ट का भी काम कर देता है ये, तो बस इस तरह से डैप डैप करके लगा लेना है आपको और उसके बाद आपका सनस्क्रीन का काम ये बहुत अच्छे से करेगा। वैसे भी आप डिटैन सीरम यूज करते हो तो उससे भी आपको सन से प्रोटेक्शन मिलेगा और आपकी सन टैनिंग भी हट जाएगी। तो बस रेगुलर मेकअप के लिए, मतलब डेली वाला यही रहता है मेरा अभी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप पूछ भी रहे थे कि डेली मेकअप कैसे करते हो, तो यही रहता है मेरा डेली मेकअप, नेक पे भी अप्लाई कर लूँगी, नेक को भी सन से प्रोटेक्शन मिल जाएगा और मेरे पाउडर का भी काम कर देगा, कॉम्पैक्ट का भी काम कर देगा ये। उसके बाद जो मैंने काजल लिया था, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कैसा है, बहुत अच्छा है, काफी दिनों से मैं यूज कर रही हूँ, इससे पहले भी मैंने 2-3 बार मंगा लिया है ये वाला काजल, तो मैंने इस बार भी मंगा लिया, मेरे वो खत्म हो गए थे इसी वजह से, और ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है मेन तो। और ये है स्टे कुर्की का आई लव यू 2 काजल, बहुत ज्यादा अच्छा है, जेड ब्लैक है और सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बस। और देखो एक स्ट्रोक में अप्लाई हो जाता है, क्रीमी है बट हट्टा नहीं है आपके आंखों से, आपकी वाटर भी आंखें हो ना तो भी आपकी आंखों पे टिका रहेगा, स्मज नहीं होगा देखो। और उसके बाद मैं यूज करती हूँ ये लिप बाम, ये मैं सबसे पहले ही यूज करती हूँ बट मैं भूल गई आपको बताने के चक्कर में, तो ये है ब्लू हेवन की लिप बाम कोकोआ बटर, बहुत ज्यादा अच्छी है और सस्ती है मेन, और उसके बाद इंडियन ब्रांड है। और उसके बाद ये वाली जो लिपस्टिक है वो मैं यूज करती हूँ, बहुत से लोग लिपस्टिक के बारे में भी पूछ रहे थे, ये शेड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये देख सकते हो आप मेन लिपस्टिक है स्टे कोर्की की ये, और
इसका शेड नंबर, शेड नेम और सारा कुछ, मतलब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, अगर पसंद आता है तो आप ले सकते हो। डेली के लिए बेस्ट शेड है। अगर आप लिक्विड लिपस्टिक कोई अप्लाई करते हो ना मैट वाली, तो उससे पहले लिप बाम लगाया करो, मतलब आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे। चलिए डेली वाला मेकअप हो गया है डन, अभी चलते हैं अपने फेवरेट प्लेस पे, किचन में। और हाँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आपको लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ले सकते हो उस लिंक पे क्लिक करके, और मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो चलिए अभी कामों में लग जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको अच्छे से लिपस्टिक का शेड पता चलेगा, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा है यार शेड, मुझे बहुत पसंद है। इससे पहले मैंने 2-3 लिपस्टिक खत्म कर दिए हैं इस शेड के, और फिर इसे मंगा लिया है। इस शेड से ना मेरा मन ही नहीं भरता है, क्योंकि डेली के लिए ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसे और भी नहीं लगता है कि यार नहीं कुछ ज़्यादा ही अप्लाई कर लिया है इसने, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये वाला शेड मुझे। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ चलिए, बच्चों को ना मैंगो काट के दे देती हूँ पहले, बच्चे बहुत देर से मांग रहे थे और मैं अपने कामों में ही बिजी थी। चलिए बच्चों को तो दे दिया है मैंगो काट के, बच्चे खा भी रहे हैं। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, साबुदाने की खिचड़ी, क्योंकि मम्मी को फास्ट है, तो मम्मी के लिए साबुदाने की खिचड़ी निकाल सॉरी साबुदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर निकाल लिया है मैंने पोटैटो, वो काट लूँगी, मतलब काटनी, कद्दूकस करना है उसे, और फिर बनाना है साबुदाने की खिचड़ी। तो चलिए सबसे पहले साबुदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। Thank you.
जो हमने उस दिन मायका बुक किया था वो आ गया है। यही है ना? कौन सा है ये तो अलग दिख रहा है। ये आपकी बेडरूम का है। अच्छा हाँ, अरे वाह। अरे ये वाला, ये 0.8 है। ये कलर अलग नहीं दिख रहा इसके ऊपर, पॉलिथीन है इसी वजह से। अच्छा अच्छा, अरे वाह। आपको ऊपर का दिखा देती हूँ क्या क्या हुआ है। और हाँ, सब लोग खर्चा पूछ रहे थे कि खर्चा कितना आया है, तो हम लोग ना पूरा अभी तक निकाला नहीं है हम लोगों ने कि कितना खर्चा आया है। सब अभी बिल जमा कर रहे हैं, ये बस ये सब कुछ निकालेंगे खर्चा कितना आया है और फिर आपको बताएंगे, है ना? अभी तो पूरा हिसाब होगा। ये सारे इसी वजह से बिल कलेक्ट करके रख रहे हैं अभी। अभी सिंगल सीट का बता सकते हैं एक सीट कितने की होगी? हाँ ना, तो वही बता सकते हैं, ऐसे पूरा खर्चा नहीं बता सकते क्योंकि पूरा खर्चा मतलब बताने के लिए हमें पूरी टोटल करनी पड़ेगी और फिर जाके आपको पूरा खर्चा बता सकते हैं हम लोग। तो टोटल करने के बाद बताएंगे ही पक्का, है ना? पूरा टोटल बताएंगे। हाँ, टोटल हो जाने के बाद पूरा बताएंगे और उनकी मतलब कारपेंटर की वो क्या बोलते हैं, तो मजूरी कितनी गई है वो भी बताएंगे फिर उतने में। अभी अगर एक सीट का चाहिए तो इसकी आ रही है क्या आपको? हाँ, एक सीट का बता सकते हैं? नहीं, एक सीट का बता के क्या फायदा, मतलब पूरा टोटल खर्चा। अभी डिजाइन जैसे बनाई ना हमने, तो वैसा टोटल खर्चा कितना आया है वो बताना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो सीट बाद में बताएंगे, 1000 की एक सीट है ये। हाँ, तो वही तो मतलब अभी सीट तो अपने ऊपर डिपेंड है ना कि अपन कौन सी क्वालिटी के लेते हैं और ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। बट मतलब जो डिज़ाइन हमने बनवाई है तो उसके लिए खर्चा कितना आया है तो वो अपने हिसाब से बता देंगे फिर बाद में जब टोटल करेंगे तब। टोटल जब होगा तो मटेरियल कितने का आया वो, और हाँ कारपेंटर का कितना बना वो, मटेरियल के ऊपर उसका परसेंटेज कितना बना वो बना। हाँ ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर बेड बन रहा है मेरे वाली रूम का, और बेड ये उल्टा है। आप सोचोगे कि ये कैसा, तो बेड उल्टा है, यहाँ पर डोर्स लग गए हैं, ऊपर वाले डोर्स भी लग गए हैं, सिर्फ बेड बन रहा है और उसके बाद ड्रेसिंग टेबल बनेगा, तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल आप देख लीजिए, बस इतना ही काम चल रहा है और बस आज शाम तक जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी बाद में, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में। उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे, तो खाने में आज क्या क्या बनाया है वो दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर आलू की सब्जी है रस्से वाली, उसके बाद ये पातोड़ी की सब्जी, और उसके बाद ये है क्या बोलते हैं आमरस, आमरस मीन्स जो पके हुए आम होते हैं उसका रस, और उसके बाद ये इसमें चावल है और रोटी, ये है शेजवान चटनी। बस हम लोग खाना खा लेंगे, आप भी आ जाइए खाने के लिए। चलिए खाना खा के मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, खाना वगैरह हो गया है और बस अभी थोड़ी देर मैं सोच रही हूँ रेस्ट करूँ और इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। तो चलिए फिर इसके साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगी और उसे आप सबसे पहले देख पाओगे। और हाँ, इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक और मेरे दोनों चैनल के लिंक और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर चेक कर लेना इंस्टा को भी, और वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही आवाज़ दिन भर चलता रहता है तो क्या कर सकती हो, थोड़ा सा समझ जाइए। कुछ दिन प्रॉब्लम होगा बट उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।